हेलो एवरीवन, आज है 9 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। 28 रुपए के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले कुछ दिन से हल्की हल्की तेजी यहाँ पर जरूर लौट रही है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर में खरीदारी करने का यह क्या ये सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर 28 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में 12% का यहाँ पर ग्रोथ देखने को जरूर मिला है। 24 रुपए के ऊपर शेयर था, तेजी आई, 28 पे पहुंचा, वापस गिर गया 25 पर, वापस तेजी आई है और अभी वापस 28 रुपए के लेवल के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक साल में अगर हम देखेंगे तो एक साल में 34% की भयंकर गिरावट है। 46 रुपीज के लेवल से टूटता हुआ शेयर नीचे आया था, 18 रुपए तक पहुंचा, वापस तेजी आई, 26 तक पहुंचा, वापस गिरावट आई, 18 रुपए तक शेयर पहुंच गया, वापस एक बड़ी रैली आई है, 28 पर आया है, वापस गिरावट आई, फिर वापस तेजी आई। यहाँ पर 3 साल की बात करें तो पिछले 3 साल में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 56% की गिरावट है। 68 रुपीज के लेवल से ये शेयर टूटता हुआ नीचे आया है, 18 रुपए तक का इसने लो भी बनाया है। अगर हम ऑल टाइम की देखें तो 2015 में इसका आईपीओ आया था, तब से लेकर अब तक 81 रुपीज तक का हाई है और 18 रुपए तक का लो है। इस शेयर को मैंने कभी भी रिकमेंड नहीं किया था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को, लेकिन मैंने इसको जस्ट पिछले महीने ही रिकमेंड किया था जब इसके मार्च क्वार्टर के नतीजे आए थे और काफी शानदार वो नतीजे थे। इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप अगर आप चाहे तो इस लेवल से अगर आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं, और वाकई में उसके बाद शेयर में एक बहुत बड़ी तेजी भी हमें देखने को मिली है और शेयर एक बहुत बड़ी तेजी की तरफ आगे बढ़ा भी है। शायद 20-22 रुपए के आसपास मैंने आपको रिकमेंड किया था बाइंग के लिए और शेयर ने अब तक बहुत अच्छा खासा रिटर्न भी आपको दे दिया है। यहाँ पर हम बात करें तो मिड कैप स्टॉक है ये, 16,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखने जाए तो तकरीबन तकरीबन 2.5 करोड़ जितना इसका हमें वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 40% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। एफआईएस ने एक बहुत बड़ी होल्डिंग अपनी लूज की है, गिराई है, 11.37% की होल्डिंग एफआईएस के पास है। 2.71% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, लेकिन सरप्राइजिंगली एक बहुत बड़ी होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी ने खरीदी है। पहले जो 0.70% की होल्डिंग थी वो सीधा 8.19% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 32.66% की होल्डिंग है। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें तो 7% का डिविडेंड इन्होंने 2018 में पे किया, तो उसके बाद कोई डिविडेंड पे नहीं किया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में देखें तो टेक्निकल रेटिंग काफी अच्छी इनकी दिखाई दे रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 90% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 7% लोग यहाँ पर बेचने की सलाह दे रहे हैं और 3% लोग होल्ड करने की बात करें। मतलब तकरीबन तकरीबन 93% लोगों का कहना है कि खरीदारी करो और खरीदारी की है तो बने रहो यहाँ पर। और तो और आईडीएफसी बैंक के बारे में देखें, इससे पहले भी एक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हुआ था फंड रेज को लेकर, जिसमें से जो प्रमोटर है उन्होंने बहुत बड़ी होल्डिंग खरीदी थी। उसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर देखें तो नतीजे आए थे, 76 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ था और ये वो वक्त था, और जो इनके नतीजे आए थे वो 22 मई को आए थे और 22 मई को ही मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि आप खरीदारी कर सकते हो। और 22 मई के आसपास अगर आप देखें तो वो शेयर कितने प्राइस पर ट्रेड कर रहा था, 22 मई को जब मैंने वीडियो बनाया था तब शेयर 18 रुपए से 19 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था और ये वो लेवल था जहाँ पर मैंने पहली बार आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बाइंग के लिए रिकमेंड किया था। उससे पहले मैंने कभी भी इसको रिकमेंड नहीं किया था, लेकिन यहां से मैंने रिकमेंड किया था क्योंकि नतीजे काफी शानदार है। इससे पहले हर क्वार्टर में लॉस था, इस बार 75 करोड़ से भी ज्यादा का इनको मुनाफा हुआ था और काफी अच्छा इसका रिटर्न मुझे देखने को मिल रहा था। दिसंबर में 1630 करोड़ का लॉस था और सितंबर में 675 करोड़ का लॉस था, जून में 611 करोड़ का लॉस था, मार्च में 212 करोड़ का लॉस था, लेकिन इस बार मार्च 2020 में 75 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और इसीलिए मैंने आपको वहां पर बाइंग की रेटिंग भी दी थी। और उसके साथ साथ इनका जो नेट एनपीए और ग्रोस एनपीए है उसमें भी काफी बढ़िया सुधार देखने को मिला था। ग्रोस एनपीए जो पहले 2.83 था वो 2.60 तक का हो चुका था और नेट एनपीए जो पहले 1.23 था उसमें भी अच्छा सुधार आया था, 0.94 तक वो पहुंच चुका था। तो काफी बढ़िया चीजें यहाँ पर देखने को मिली और इसलिए मैंने बाइंग रेटिंग में डाला था। और आप देखिए प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो यहाँ पर 40% की कॉन्स्टेंट है। एफआईएस ने एक होल्डिंग लूज की है, 13.43% की जो होल्डिंग थी वो 11.37% की होल्डिंग है, लेकिन सरप्राइजिंगली आप देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड यहाँ पर बाजी मार गया। यहाँ पर जो पहले 0.96% की होल्डिंग थी वो 8.19% की होल्डिंग, मतलब म्यूचुअल फंड ने एफआईएस ने जो शेयर बेचे उसको तो खरीदा ही खरीदा,
बाकी जो रिटेल निवेशकों ने भी शेयर्स बेचे पैनिक में आकर, उनको भी खरीद लिया उस क्वार्टर में जब शेयर्स में गिरावट चल रही थी। मार्च से जून क्वार्टर में खरीदारी कर ली वहां पर और सॉरी इंश्योरेंस कंपनी ने। म्यूचुअल फंड जहां थे वहीं है, 2.72% की होल्डिंग 2.71% के आसपास में देखने को मिल रही है। ओवरऑल जैसे कि मैंने कहा कि धीरे धीरे अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड में ये शेयर आ रहा है, छोटा लेकिन दमदार बैंक बनने की कगार पर धीरे धीरे ये शेयर आगे बढ़ रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि यस बैंक को मैं खरीदारी करने से बेहतर होगा कि आप IDFC फर्स्ट बैंक में खरीदारी कर लें। 28 रुपए के आसपास शेयर है और कम से कम यहाँ पर आप यहाँ से आप 7 या 8 महीने का प्लान लेके चले, जरूर शेयर आपको कम से कम 35 से 40 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख जाएगा। तो खरीदारी की है तो बने रहो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो कर सकते हो। शॉर्ट टर्म का टारगेट मेरा 35 रुपए का है यहाँ पर, लॉन्ग टर्म में शेयर 40-45 तक भी जा सकता है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।